हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो की शुरुआत होती है, आज मनावर तवी के ब्रिज के ऊपर से। सो देखते हैं आज का कैसा रहता है एक्सपीरियंस मेरा। सो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो चलते हैं भाई वही रूटीन अपनी, अपने सफ़र की ओर। सो देखते हैं भाई, आज फिर से भाई पुल के ऊपर से जा रहा हूँ। बहुत जल्दी भाई खुशी का माहौल होने वाला है हमारे गांव में, जब ये पुल कंप्लीट हो जाएगा पूरा, फिर हमारे ब्रिज के ऊपर से भी गाड़ियों की आना जाना शुरू हो जाएगी भाई। उम्मीद है भाई कि काफ़ी और सारी मेटाडोरें लगने का चांसेस हैं भाई। जिन उस्ताद जी की गाड़ियां अभी चलती हैं, क्या पता वो और गाड़ियाँ लगा सकते हैं इधर, या उन्हीं गाड़ियों का रूट बदल कर इस एरिया में लगा सकते हैं भाई। सो बड़ी खुशी की बात होगी हमारे गांव वालों के लिए। सो चलते हैं भाई, देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो आप बने रहें दोस्तों मेरे साथ। सो दोस्तों, ये वाला पोर्शन है भाई जो रहता है अभी, बट इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं भाई लेबर वाले। सो कल आप लोगों ने देखा होगा कि भाई नीचे वाली प्लेटें लगाई हुई थी, बट आज ना साइड वाली प्लेटें भी लगा दी हैं। अब इसके बीच में सरिया डालेंगे, फिर उसके ऊपर लेंटर पड़ जाएगा भाई, फिर इसके ऊपर का पोर्शन उठाएँगे, फिर ये वाला जो जैसे ये वाला पोर्शन बना हुआ है ना भाई, वैसे वाला पोर्शन बन जाएगा। फिर उसके बाद जो अदर काम बचे होंगे भाई, वो काम धीरे धीरे होते रहेंगे। सो ये काम है भाई हमारे पुल का जो अभी चल रहा है भाई। फिर हम सीधा पहुंच गए भाई बल्डो वाले रोड पे। सो उधर से जा रहे थे हम धीरे धीरे, क्योंकि रोड की कंडीशन ही कुछ ऐसी है। सो उसी के बीच भाई एक बंदे ने कमेंट किया था, देखो कि तू हमेशा यही गाड़ी दिखाता है, पुरानी वाली कोई न्यू गाड़ी दिखाया कर। यार मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, हमारे गाँव में यही गाड़ी चलती है भाई, एक पुरानी, वो भी पुरानी है तो ठीक है भाई, क्योंकि रोड की कंडीशन जैसी देखा जाए ना, कोई भी इधर गाड़ी नहीं लगा सकता। बट शुक्र गुजार है हम अंकल जी के बल्डो वाले, जिन्होंने ये गाड़ी लगाई है भाई, हमारे लोगों को सुविधा दे रहे हैं। सो रोड की कंडीशन देखी जाए तो भाई बेहद ख़राब है। सो कुछ ही सालों बाद भाई रोड भी अच्छे हो जाएंगे, क्या पता फिर अंकल जी गाड़ी भी न्यू ले लें, तो हम भी इसी उम्मीद पर रुके हुए हैं भाई। बिल्कुल तभी के साथ साथ भाई डेंजर रोड के साथ हम गुज़र रहे थे अपने सफ़र की ओर, तो डर भी लगता है भाई जब सवारी भी ज़्यादा हो, गाड़ी भी जंप में हो, हलचल करे, तो डर भी लगता है भाई।
गाड़ी में से उतर कर भाई पीछे लगी थी न रहने वाली मेटाडोर, जोखनूर की ओर जा रही थी बंटी भैया की, सो उसमें बैठ गया भाई फिर मैं जल्दी जल्दी। सो फाइनली दोस्तों पहुंच गए अखनूर भाई। सो चलते हैं भाई क्लास में, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। फिर जैसे ही भाई क्लास के बाहर आए तो एक छोटी बच्ची आई भाई मेरे दोस्त से कुछ पैसे मांगने के लिए, बट उसने एक प्रॉमिस किया उसके साथ कि मैं पैसे नहीं दूंगा तेरे को, अगर तूने कुछ खाना है तो मेरे साथ दुकान पे चल। तो उसने एक लड़की ने फरमाइश की कि मुझे समोसा खिला दो, तो मेरे दोस्त ने भाई समोसा खिलाया, उसको पैसे दिए। भाई मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, बट मैं आपको एक सुजेशन देता हूँ कि किसी को पैसे मत दीजिए। आपके पास अगर कुछ देने के लिए है तो उसको कुछ खिला दो, बट पैसों का लालच देकर किसी को ऐसा मत ट्रीट करो कि वो आपसे पैसे ही मांगे। भाई अगर कुछ खाने के लिए है तो आप वो खिला सकते हो उसको भाई, ये मेरा सुजेशन है भाई और मेरे दोस्त मोटू का भाई। काफ़ी अच्छा लगा हमको। साड़ा साड़ा छोटे कैसा लगा तेरे को? अच्छा है, समोसे अच्छे हैं, खा फिर। अखनूर से मिल गई थी भाई मेरे को मामूजी की मेटाडोर, सो मैं जल्दी जल्दी चढ़ा उसमें तो मामूजी के साथ बैठ गया। आगे भाई जा रही थी डगेरा वाली मेटाडोर, सो उसके साथ लग गई रेस, सो मामूजी ने कर दिया उनको पास। सो फिर उसके बाद हम उनसे आगे आगे भाई इसी के साथ पहुंच गए हम सेला वाली भाई। सो दोस्तों अखनूर से मामूजी की गाड़ी में बैठकर आ गया था भाई सेलावली तक। उसके आगे डेढ़ वाली मेटाडोर लगी थी भाई जो आनी थी जोगुआ की तरफ, सो उसमें बैठकर आ गया अपनी दुकान पर। सो यहीं पे करते हैं थोड़ा टाइम स्पेंड। सो इसी के साथ का तो अपनी वीडियो को एंड। आई होप आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्सपीरियंस आता अपने इंटरेस्टिंग के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।